सक्सेस पाने के लिए कोई रूल्स नहीं, कुछ सही गलत नहीं। अपने उसूल आदर्श यहाँ तक कि कभी भी लोग जो हेल्प में तोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा है, लेकिन मैं कहती हूँ जब गया आपके कदमों पर तो कर्मा भी कुछ नहीं कर सकता। सक्सेस पाने के लिए कोई रूल्स नहीं, कुछ सही गलत नहीं। सक्सेस पाने के लिए कोई रूल्स नहीं, कुछ सही गलत नहीं। अपने असल आदर्श यहाँ तक कि कभी भी लोग जो हेल्प में तोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा है, लेकिन मैं कहती हूँ जब दुनिया आपके कदमों पर तो करना भी कुछ नहीं कर सकता। सक्सेस पाने के लिए कोई रूल्स नहीं, कुछ सही गलत नहीं। अपने असूल आदर्श यहाँ तक कि कोई भी लोग पीछे जाइए। सारे जो मीडिया के साथी है पीछे आ जाइए, क्योंकि हम लोग रेडियो पर लाइव जाने वाले हैं। बस बस, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, जरा सा पीछे जाइए। हे प्रभु राम कृष्ण जगन्नाथ, आप कान छोड़ देंगे मेरी। देखना चाहिए था, यहाँ पर अंधेरी के मेट्रो वन के पास इतनी भीड़ आई है कि हर किसी को लगेगा कि यहीं पर होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग वीडियो देखेंगे हमारे सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर। बट फिलहाल लेट्स से हाय टू द रवीना टंडन, रवीना सारे मुंबई को, यहाँ पर मेट्रो वाले ट्रैवलर्स को एंड जो कार सुन रहे हैं सबको प्लीज आपकी आवाज सुनाइए, प्लीज से हाय टू देम। जैसे
जैसे आप भी देख रहे हैं जीतूराज, राइट, पूरी भावनाएं और इतने सब बहुत खुश अपने जा रहे हैं मेट्रो, अपने अपने काम पे जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, जितने लोग उनको रोक दिया है। और बीच में नहीं, हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, देखना पड़ेगा। सबको रिक्वेस्ट भी कर रही थी जितने हमारे पैसेंजर्स जा रहे हैं उनको एकदम विदाउट एनी तकलीफ जाने दें। फॉर ऑल पीपल जो अपनी कार में सुन रहे हैं, यहाँ पर जो मुंबई अंधेरी मेट्रो के ट्रैवलर्स सुन रहे हैं, अगर रीग की वजह से आप लोग आगे नहीं आ सकते, हमारे साथ नम्रता सेठ है, वरुण सूद है एंड कर्मा कॉलिंग करती हुई रवीना चंदन है। रवीना, इन दोनों से मैंने एक दो सवाल पूछ लिए हैं, तो सारे जो कार में सुन रहे हैं उनको ये पूछना बनता है उनकी तरफ से कि रवीना ने अगर कर्मा कॉलिंग ये ली है एक्ट करने के लिए, इसमें कुछ तो खास होगा, कुछ तो अलग होगा, व्हाट इज दैट कुछ तो अलग कुछ तो खास रवीना? मेरे ख्याल से खास बात ये है कि हम सब जानते हैं हमारे संस्कृति में और हमारे जितने लिखे गए ग्रंथ हैं जिसे कहेंगे हम, ऑलवेज ये कहा गया है कि कर्म जो है जी, वो आपके पीछे कभी ना कभी जो yes. आप छोड़ जाते हैं आते ही हैं सामने। एंड आई थिंक वो एक जो की बात है, वो जो हर बार हम हर एपिसोड में जिस तरीके से हमने जोड़ा हुआ है right. जिस तरीके से जो डायरेक्टर है उन्होंने जोड़ा हुआ है, वो बहुत खूबसूरती से जोड़ा हुआ है और ये डायलॉग तो बहुत ही एक दिल में और जहन में रखने वाली है, जिसे जो ये कहती है, बल्कि मैं एक्चुअली उनका थोड़ा मैं इंटर डायलॉग है, याद है तुमको? दिस अ ग्रेट मोमेंट मुंबई, नम्रता एंड रवीना चैटिंग विद ईच अदर, आई थिंक दिस इज अ मोमेंट वर्थ कैचिंग। यस, हो जाए एक बार आप वो डायलॉग बोलिए, आप बैठी हैं तो आप बताइए वो डायलॉग कर्मा के स्टाइल में। हां नम्रता, माइक थोड़ा और नजदीक लीजिए, सारे कार में सुनेंगे। हां ओके, गो ऑन। कर्मों से डरिए, ईश्वर से डरिए, ईश्वर माफ कर देता है तो कर्म कभी नहीं। कर्मों से डरिए खुदा रा, वरना जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। दो खातिर बोल रही है, एक सेकंड, मैं ये समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ईश्वर जो है वो हर बार माफ कर देते हैं। ही इज ऑल लविंग गॉड, ही इज फॉरगिविंग गॉड। हमारे ईश्वर जो है वो आप गलती करेंगे बोलेंगे ठीक है बच्चा गलती हो गई तुमको माफ कर देता हूँ अब आगे से मत कर। लेकिन कर्म क्या है? कर्म ये है जो हम ही बोते हैं, सही, जो हम ही करते हैं और हमने ही क्रिएट किए हैं हमारे ही कर्म, तो वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है मुंबई, बाय द वे जो कार्स में हैं जो ये नहीं देख पा रहे, आई मस्ट टेल यू कि मैं इतना खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ नम्रता जैसी खूबसूरत लड़की, दूसरी तरफ रवीना जिसको हमने पूरी जिंदगी प्यार किया है, एंड तीसरी तरफ आज की सारी लड़कियों का सपना वरुण सूद। वरुण जरा आप माइक हाथ में नहीं है प्लीज, सारे कार में जो लड़कियां लड़के सब सुन रहे हैं, ये दो रॉकस्टार लड़कियां, आप अकेले लड़के, ये जरा सी इनजस्टिस नहीं है हम जैसे लोगों के साथ? मैं तो आपको बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि मुझे रवीना मॉम से भी प्यार मिला है और मुझे कर्मा से भी प्यार मिला, तो काफी लकी महसूस करता हूं। मम्मी रवीना मॉम बोल रहा है, आई 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 डोंट लाइक इट रवीना। एंड वरुण, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब योर कैरेक्टर, जो यहाँ अंधेरी के मेट्रो स्टेशन पर सुन रहे हैं, जो कार्स में सुन रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने कैरेक्टर को? आई थिंक मेरा कैरेक्टर बहुत ही लविंग है, बहुत ही प्यारा इंसान है, ओके, एक रिच फैमिली से आता है, बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, उसके लिए सभी अच्छे इंसान है। वंडरफुल। एंड आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने कैरेक्टर को? मेरे कैरेक्टर में बहुत ही लेयर्स है, आई थिंक मेनली वो क्रक्स है जो कैरेक्टर का, वो बदला लेने आई है रवीना मैम के कैरेक्टर इंद्रानी जी से, और कोठारी खानदान से बदला लेने आई है, क्योंकि उनके पापा के साथ बहुत ही बुरा हुआ है बचपन में, तो वो कर्मा और वो जस्टिस वो अपने हाथ में लेकर बदला लेने आई है, तो वो बहुत ही कड़क लड़की है और एक मकसद के साथ आई है, और कुछ भी हो जाए वो बदला का रास्ता वो छोड़ती नहीं है। नम्रता सेठ विद अस अलोंग वरुण सूद एंड द रवीना चंदन, तो मम्मी क्या आवाज जीतूराज के साथ है, वी आर लाइव फ्रॉम मिर्ची मेट्रो फेस्ट, जो अंधेरी मेट्रो वन से लाइव इज लाइव है, रेडियो की दुनिया में एक अजीम और शानदार एक्सपेरिमेंट। और हम इन तीनों को पूछने वाले हैं कि इनकी जिंदगी का ये पहला अनुभव कैसा है। बट उसके पहले एक गाना सुनते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, देन वी रिटर्न विद द कर्मा कॉलिंग कास्ट लाइव इज लाइव विद जीतूराज ऑन 90.3 मिर्ची मेट्रो फेस्ट। इट इज अ हॉट। नमस्कार मुंबई। Mirchi Metro, it's hot. Mirchi Metro.
मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन है मुंबई की आवाज जीतू राज। आपके मिर्ची मेट्रो में आपका स्वागत है। योर जर्नी टू एंटरटेनमेंट इज अबाउट टू बिगिन। On Metro Line 1, 98.3 Mirchi Metro. It's आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, जैसे मैं आपको एक बधाई देना चाहती हूँ कि रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, बिल्कुल। तो वो जिस तरीके से सक्सेस हुआ है, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ कि कर्मा कॉलिंग भी इट्स हॉट। सारी लड़कियों और लड़कों के बीच में बहुत हॉट हो गया है, जैसे रवीना कह रही है। तो इट माइट नॉट बी ओनली द कास्ट, या सिर्फ कास्ट की वजह से नहीं है, कुछ और भी रीजन है कि कर्मा कॉलिंग क्यों चल रही है सबके बीच में। व्हाट डू यू थिंक नम्रता? बहुत सारी रीजंस है। आई थिंक डेफिनेटली कास्ट के बारे में, आई थिंक वो हम कभी भूल नहीं सकते। okay, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली अभी सेलिंग पॉइंट हमारे ये लड़कों के लिए नम्रता है। पूल से निकलते हैं तो उसके लिए तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इतने सारे ट्विस्ट है, टर्न्स है। आई थिंक ये शो के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी देख सकता है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत ही इंट्रीगिंग फास्ट पेस्ड शो है, तो ऑब्वियसली कास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अमेजिंग है, लेकिन स्टोरी लाइन भी इतनी इंटरेस्टिंग है